हालांकि सर, इससे पहले कि मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे जाऊं, आप दोनों को, हालांकि मेरे पास अभी ग्राफिक्स रेडी नहीं है, वो ग्राफिक्स जो है स्क्रीन पर मुझे डालने थे, लेकिन बिहार में जातिगत जनगणना हुई और उसके आंकड़े पेश किए गए। जातिगत जनगणना के आंकड़ों के बाद आज शीतकालीन सत्र में इसमें कौन कितना गरीब कौन कितना अमीर पेश किया जाना था, जिस आधार पर हमेशा से नीतीश कुमार कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। देखिए जो है अब जातिगत आधार पर जब ये निकलेगा और कौन किसकी कितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी के करीब, अब ये आंकड़े जब ये सामने आए हैं, इस आंकड़ों में ही सर जो सामान्य में सबसे अगड़ी जाति यानी कि भूमिहार वो 25% गरीब है और पिछड़ों में यादव 35% गरीब है। आलोक जी, एक रिएक्शन छोटा छोटा आप दोनों से एक इस पर लूंगा, डिटेल आंकड़े बाद में दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं ग्राउंड रिपोर्ट का रुख करता हूं। आलोक जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार और लालू यादव जी के लिए और कांग्रेस के लिए समय जाति का मुद्दा बना, उन्होंने अच्छा किया, रिपोर्ट जारी कर दी। अब उससे पता चलेगा कि उनके समुदाय में भी कितने लोग गरीब रह गए 20 साल से। तो बिहार में नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, लालू जी कांग्रेस तो वहां पहले भी नहीं रही, तो कांग्रेस भी अपना दामन झाड़ सकती है, लेकिन केंद्र के, और इसलिए जातिगत आधार पर ये जो खेल किया जा रहा है इससे खाली लोगों में बांटना, और अभी जाति की उपजाति, अभी जो आंकड़ा आपने दिया है और जो भी आ रहा है, जो मैंने भी अभी देखा कुछ देर पहले, ये तो एक हिसाब से सारा खेल पलट गया ना, एक किस्म से सारा खेल पलट गया। अगर आप जातिगत आधार पर ही आरक्षण देना चाह रहे थे तो जातिगत आधार पर आरक्षण में जो अगड़ा है वो तो सबसे पहले, वो सबसे ज्यादा गरीब अगर चल रहा है तो फिर आपका यहाँ पर आधार ही पलट जाता है, यहाँ पर तो आर्थिक आधार हो जाता है, आर्थिक आधार होना चाहिए जिसका जिक्र सबसे पहले हमेशा से होता रहा है। उत्तर बिहार में खास करके आप देखिए ना, अरविंद जी तो उसी प्रदेश के हैं, आप ये बताइए कि उस जहाँ जो गरीब है कोई भी ऊंची जाति का भी, वो बहुत बुरी हालत में है, उसकी स्थिति तो कई बार पिछड़ों से भी ज्यादा बदतर हो गई है। दलितों में ये सही है कि हुआ है, लेकिन इसलिए इस आंकड़ों से उल्टा भी पड़ेगा, लेकिन वो ठीक है लोगों को भ्रमित करने के लिए कि तुम्हारी जाति का अभी 75% बच गया, उनको हमें कराना है, हमें इनको नौकरी दिलाना है। नौकरी बिहार में कितने लोगों को देंगे, यूपी में कितना देंगे, महाराष्ट्र में कितना देंगे, सरकार में नौकरियां नहीं है, कंप्यूटराइजेशन होता जा रहा है, कंप्यूटर खुद ही दे रही है सरकार, दे रही है शिक्षा के लिए भी कंप्यूटर दे रही है, तो उसके बाद कंप्यूटर सबको मुफ्त देंगे, अंग्रेजी शिक्षा दिलाएंगे, तो टीचर को पैसा कैसे देंगे जब टीचर भर्ती करेंगे 10,000। तो मुझे लगता है कि ये सब समस्या है जिसको लेकर के ये एक अच्छा, लेकिन बिहार ने नीतीश कुमार ने कार्ड खोला है तो उनको जो फायदा हो सकता है मैं तो कहूंगा आज भी, लेकिन सही बात यह है कि इससे और एक पिटारा खुल गया है जो आगे चुनाव में उनका कार्ड होगा, जाति जो अपोजिशन का दिखाई दे रहा है और वर्तमान सरकार का मोदी जी इसी तरह आधार पर चुनाव लड़ने, हमने जो काम किया और डेवलपमेंट और करप्शन हटाना, केंद्रीय मंत्रियों में भ्रष्टाचार, जैसे अभी अरविंद जी कह रहे थे कि उनका क्लीन चार्ज नहीं है, केंद्रीय मंत्रियों को कोई भी किसी के खिलाफ ऐसा कोई सबूत या जेल जाना जैसे कांग्रेस के रिजिम में हुआ या यूपीए में हुआ, ऐसा अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए ये कह सकते हैं कि हमारे मंत्रियों पर या केंद्र सरकार पर, चाहे वो टाइट रखा गया, उनकी उनके ऊपर निगरानी रखी गई हो, लेकिन जाति के आधार पर जो बढ़ाना है वो कोशिश, अब ये एजेंडा साफ हो गया है, ये तैयारी दोनों पक्षों से आगे के चुनाव की तैयारी है, ये 5 राज्यों के बाद की तैयारी नीतीश कुमार ने शुरू कर दी, और लग रहा है कि गठबंधन कांग्रेस चाहे कह रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया है जैसा लगता है कि वो एक अलग गठबंधन बनाएंगे। इसका मकसद ये था ना अरविंद सर, इसका मकसद ये था कि कौन जाति कितनी गरीब है ये हम, और कितनी पिछड़ी है ये हम पता लगा सके, ताकि आरक्षण का आधार और क्या हो, अब इस शीतकालीन सत्र में यही होना था, ताकि आरक्षण का आधार और क्या हो। हालांकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी जा सकती थी कि 70% के करीब ऐसा कहा जा रहा था कि आरक्षण ले जाने की एक कोशिश थी, आरक्षण का आधार क्या हो वो जो है तय किया जा सके, लेकिन ऐसे में आप अगर आरक्षण जो है पिछड़ा अति पिछड़ा और इन्हीं जातियों पर ले जा रहे थे, तो ऐसे में सामान्य में जब अगड़े में जो सबसे बड़ी जाति भूमिहार वही 25% आंकड़े के साथ जब गरीबी रेखा पे है, तो फिर आप किस आधार पर दीजिएगा आरक्षण? देखिए जब आंकड़े हाथ में आएंगे तो बहुत सारी चीजें और खुलेंगी, अभी आर्थिक आधार और जाति का आधार दो हम लोग गिन रहे हैं, कल को जेंडर का इशू भी आएगा, जेंडर का इशू छोटा नहीं है, लड़कियां और लड़कों का फर्क हर परिवार से लेके राज्य स्तर पे है, फिर शहर और गांव का फर्क भी आएगा, वो भी फर्क जाना नहीं है, पढ़ाई स्कूलिंग किस किस्म से हो रही है बच्चों की, उस पर भी ये जाएगा कि वो टाटपट्टी स्कूल में पढ़ा है कि पब्लिक स्कूल में पढ़ा है, तो डिप्रेवेशन अलग अलग किस्म से समाज में मौजूद है,
और उस डिप्राइवेशन को अगर कोई मापना चाहता है, कोई गिनना चाहता है, तो आरक्षण उसका एक छोटा हथियार है, अकेले उस हथियार से कुछ नहीं होना है। तो जब चीजें सामने आएंगी तभी ये बातें ज्यादा मजबूती से उठ पाएंगी कि भाई लड़कियों का मामला कहाँ, सब लड़कियां 12वीं तक टॉप करती हैं, उसके बाद के ऊपर की नौकरी में लड़कियां गायब हो जाती, तो लड़कियां कहाँ जा रही हैं, उनको क्यों परेशानी होती है, गांव का लड़का निकल के आता है उसको क्या दिक्कत होती है बड़े शहर या आज के मल्टीनेशनल कंपनियों से लेके जो माहौल है उनमें। फिर ये भी कि आप गांव शहर का जो गैप बनता जा रहा है सर, एक बार मैं सुनवाता हूँ, नीतीश कुमार ने जब ये आंकड़े पेश किए तो क्या कहा, एक बार मैं सुनवाता हूँ, वापस आऊंगा। गन्ना की बात, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, 1990 में, तो ये 1990 कह रहे हैं, 1930 में जब ये सब शुरू हुआ था तो अंग्रेज ही राज कर रहा था उस समय, तो यहाँ का शुरू हुआ था, तो पहला बार जो हुआ था तो जातीय आधारित जनगणना हुआ था, कुछ दिन के बाद हुआ था, अब बाद में फिर जाति आधारित बंद हो गया, अब उसके बाद ये फिर हुआ कि नहीं जाति आधारित जनगणना हो जाए तो जो बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग शुरू से मांग करते रहे और उसी के आधार पर, आपको याद है ना, यहीं पर पास हुआ जब आप ही थे ना स्पीकर साहब, वहां बैठे हुए थे, तो 19 में भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप इसके बारे में कर दीजिए, और सर्वसम्मति से हाउस से पारित हुआ, तो हम लोगों ने सेंटर को भेजा दोनों हाउस में, विधानसभा विधान परिषद दोनों में, और दूसरी बार फिर 20 में भी, तो दोनों हाउस से पारित होकर के भेजा गया। लेकिन अभी जनवरी की बात है, 20 की जनवरी फरवरी की, तो उसी समय बजट के टाइम, तो हम लोग तो शुरू से नहीं तैयार थे जी। अब बाद में फिर याद करिए कि हम लोगों ने तो 20 में तो आ गया कोरोना, तो शुरू नहीं हुआ, तो 21 में फिर हम लोग कहने लगे कि भाई जाति आधारित तो होवे ना करेगा, ये माने जनगणना तो होगा ही ना, जाति आधारित की बात तो नहीं, जनगणना होगा, तो हम लोग रिक्वेस्ट करें, तो याद करिए ना कि हम लोग फिर 9 पार्टी के लोग बात किए आपस में 21 में, और आपस में बातचीत करके हुआ कि नहीं ठीक है, तब फिर हम लोगों ने केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि समय दीजिए, तो उन्होंने 3-4 महीना के बाद समय दिया, हम लोग मिले, हम मिल करके सब लोग ना गए थे जी, आ सब तो साथ ही थे, तब भुला गए, आप लोग में से किसी को मौका नहीं मिला, अरे अरे मौका किसको मिला, जो दूसरा पटिया से ज्वाइन कर लिया था उसी को दे दिया, हमने कहा काहे का बेचारे को उतना मालूम, कहना बोले उसको भी हम इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी बोला कि नहीं होना चाहिए, सब लोग बोले, ये लोग सब थे विपक्ष में थे, हम लोग तो इधर थे, आप भी इधर थे, और उस समय जाके उनको हम लोगों ने अनुरोध किया, और अंत में बाद में वो कहे कि नहीं साहब जो होगा नहीं अभी आइए। चलिए ये एक नई बहस छेड़ देगा, क्योंकि अब तक तो सिर्फ जातिगत जनगणना जो है कि जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन अब जो है इसमें गरीबी रेखा और गरीब जो है वो कितने फीसदी हैं उसको लेकर के जब एक नया डाटा, ये पूरा जो सर्वे पेश किया गया है इस वक्त शीतकालीन सत्र में, उसको लेकर के अलग अलग वर्जन जो है उस किस तरीके से अब आरक्षण का नया आधार बन सकता है जिसको लेकर के ये सरकार गई थी, अब देखना यह है कि इसका क्या मुद्दा होगा।